Assalamualaikum dear students, hope all of you are fine. Welcome to our online English class. Let's start our reading. Page number 70, unit 8, the old man and the tiger, ek bura aadmi aur cheeta. Words to know, bundle, ghatha. A group of things that you tie or wrap together. चीज़ों का एक ग्रोह जिसको आप एक साथ बांध सकते हैं. फॉल्ट, गलती या खामी. अ फेलियर, एक नाकाम शख्स. अ फेलिंग और वीकनेस इन वंस करेक्टर, किसी में खामी, किसी एक बंदे में खामी या कमज़ोरी का पाया जाना. ग्रेसेस, दिलकश, खूबसूरत. पोलाइट, गुड डिसेंट बिहेवियर एंड ब्यूटी. खुश अखलाक, अच्छा, अच्छे अखलाक का मालिक. एंड ब्यूटी, और खूबसूरत. हार्श, सख्त. नॉट काइंड, बेरहम. क्रूएल, संगदिल. हील, तंदुरुस्त. टू बिकम वेल अगेन, दोबारा से सेहतयाब होना. श्रग, कंधे हिलाना. टू मूव योर शोल्डर्स, टू शो दैट यू डू नॉट नो और आर नॉट श्योर. अपने कंधों को हिलाना, ये जाहिर करना कि आप कुछ नहीं जानते, कुछ मालूम नहीं है. स्पर्ट, तेज़ी से. टू कॉज अ लिक्विड और गैस. टू गश आउट विद फोर्स, लिक्विड को तेज़ी से बाहर निकालना. A poor old man lived with his large family in a small hut in the middle of a forest. एक बूढ़ा गरीब आदमी जो कि अपनी फैमिली, अपने घर वालों के साथ एक छोटी झोंपड़ी में जंगल के दरमियान में रहता था. He was a woodcutter, वो लकड़हारा था, लकड़ियाँ काटता था. His sons and daughters were very young, उसके बेटे और बेटियाँ बहुत जवान थे. His wife was busy cooking, cleaning, washing and looking after the children. उसकी बीवी घर में खाना बनाने, सफाई करने और बच्चों की देखभाल में मसरूफ़ रहती थी. She could not help him earn money. वो लकड़हारे की पैसे कमाने में कोई मदद नहीं कर सकती थी. Every day, हर रोज़, the old man went deep into the forest and chopped wood. हर रोज़ वो बूढ़ा आदमी जंगल की गहराई में जाता और लकड़ियाँ काटता. ही गैदर्ड द वुड, वो लकड़ियाँ जमा करता. टाइड इट इन अ बंडल, और उनको एक गठरी में बांधता. एंड कैरिड इट ऑन हिज डंकी टू अ नियर बाय विलेज मार्केट, और उनको अपने गधे पर लाद कर करीबी मार्केट, मतलब बाजार में ले जाता. ही सोल्ड द वुड, वो लकड़ियाँ बेचता. एंड बॉट फूड फॉर हिज फैमिली, और अपनी फैमिली, अपने घर वालों के लिए खाना लेकर जाता.